हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज वाली क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी ट्रिक की, किसकी ट्रिक है वो हमारी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जेई में भी, नीट में भी और आपके नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपको क्या निकालने हैं, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं। ये कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी इसकी ट्रिक है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या है। मैं ब्रीफ आइडिया दूंगी आपको सिर्फ, तो देखो क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपके पास डबल बोन प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बोन। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होती है, जो एक कार्बन होता है उस पर जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, मतलब सेम कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स लगने चाहिए, मतलब ए बी, मतलब ये डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप ए लगा दो और यहाँ पे भी ए लगा दो। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आप यही कंडीशन कर देते हो तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। मतलब यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और यहाँ पे आप बी ए कर लो या फिर ए बी, वो बताते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पता है दो टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस, है ना। तो सिस में कैसे होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, ठीक है। और ट्रांस में कैसे होते हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो पता चल गए मैम, इसमें हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो उसका बहुत ही सिंपल सा रूल है। वो क्या है, आपको एंड देखना है मॉलिक्यूल का, एंड ऑफ मॉलिक्यूल। अभी समझाऊंगी क्या कहना चाह रही हूं मैं। तो यहां पे दो केस बनते हैं, एक एंड ऑफ मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट होगा और एक एंड ऑफ मॉलिक्यूल अगर सेम होगा। देखो अगर एंड ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट है, सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड C C C L। मैं वैलेंसीज कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए इसलिए समझा रही हूँ। देखो मॉलिक्यूल का एंड देखना है, मतलब ये पार्ट देखना है और ये पार्ट, क्योंकि एंड तो यही है। तो ये देखो ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है, CL है। तो दोनों ग्रुप्स क्या आपके डिफरेंट है। अगर आपके दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है तो आप कौन सा रूल लगाओगे, एंड ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट वाले में जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपके जो मॉलिक्यूल है उसका एंड सेम है देन हम सेम वाले कैटेगरी में जाएंगे। ये अभी डिस्कस करती हूँ, पहले ये देखो। अब देखो आपको दो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल गिवन है इसके एंड्स डिफरेंट है, तो इसका जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला होगा, जी आई निकालने का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, 2 की पावर n। एन यहाँ पे क्या है, कितने आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, आपके पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड आपके पास, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो क्या बोलोगे, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं आपकी एग्जाम्पल देती हूँ CH3 डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैं कुछ और ग्रुप लगाती हूँ, मैंने BR लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे BR है, एंड ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर n। और नंबर n क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इतने कितने डबल बॉन्ड्स हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका सॉरी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए इसके, 4 आ गए। अब देखो आपको एंड ऑफ मॉलिक्यूल अगर सेम दिया हो तो यहाँ पे आपकी फर्दर दो कैटेगरीज डिवाइड हो जाएंगी। एक आएगा कि आपके अगर इवन डबल बॉन्ड्स हैं और सेकंड कैटेगरी आएगी आपकी अगर ऑड डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ऑड डबल बॉन्ड्स। देखो इवन डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया C C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C C। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, यहाँ पे भी आपका क्या है, सॉरी CH3 है ना। तो देखो एंड ऑफ मॉलिक्यूल ये CH3 है और एंड ऑफ मॉलिक्यूल ये CH3 है, ठीक है। अब दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम है, ठीक है, तो सेम की कैटेगरी में गया है। अब सेम की कैटेगरी में गया है तो आपको देखने की जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है वो क्या है, इवन है या फिर ओड है। देखो यहाँ पे एक ये है एक ये है, मतलब कितने डबल बॉन्ड्स है, 2 है। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, इवन डबल बॉन्ड की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे जो इवन डबल बॉन्ड की कैटेगरी में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो है 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर n-2 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 ये रहा और एक ये रहा, मतलब दो डबल बॉन्ड है। तो 2 की पावर 2-1 प्लस में 2 की पावर 2-2 बाय 2। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीआईज निकल जाएंगे। अब बात आती है अगर मैम हमारे पास डबल बॉन्ड्स ओड नंबर में प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो ओड नंबर का एग्जांपल बताती हूँ आपको, सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कितने एंड ऑफ मॉलिक्यूल, देखो क्या है CH3 CH3 मतलब सेम है, ठीक है। एंड ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, जहां पे हमने देखा था क्या है, सेम है। अब हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड्स कितने हैं। देखो डबल बॉन्ड्स कितने यहाँ पे, 1, 2 एंड 3, मतलब कितने हो गए, ऑड हो गए डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म लगेगा वो क्या लगेगा, 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर n-1 बाय 2।
ठीक है, तो रखोगे 2 की पावर कितने डबल पॉइंट्स 1 2 एंड 3, तो क्या रखोगे 2 की पावर 3 माइनस का 1 प्लस में 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब इतना ये फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो ऑर्डर इवन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 है, क्योंकि इवन है तो आप याद रख सकते हो कि n माइनस 2 आएगा, बट अगर मैं ओड की बात करती हूँ तो n माइनस 1 आएगा क्योंकि यह है ओड है। ठीक है, अब ऐसे में आपका एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे निकाल के बताओ कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। CH3, अब बताओ काउंट कर दोगे मैम, एंड ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है तो हम डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे और वहां पे पड़ेगा काटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये GI शो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी GI की, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके जो साइड में ग्रुप लगे होते हैं ये A और B, ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या है, C डबल बॉन्ड C H है और यहाँ पे H है, दोनों ग्रुप्स क्या है सेम है, तो अगर दोनों ग्रुप सेम है तो GI शो ही नहीं करेगा, तो आप नंबर ऑफ GI फाइंड कैसे करोगे मुझे एक बात बताओ। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनर आपका एग्जाम में फंसाएगा, इसमें आएगा ऑप्शंस आपके, ये क्वेश्चन देगा आपको बताए बोले जाएगा कि नंबर ऑफ GI बताओ कितने होंगे, और आपको ऑप्शन देंगे 2 है 5 है 7 है या जितने भी इसका सॉल्व करके निकलता है, तो आप जितना सॉल्व करके निकल गए इस पे टिक मत मारना, जीरो पे टिक मारना, क्योंकि इसमें GI होंगे ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके जा रही हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना मुझको, सी डबल बॉन्ड सी सी टू एच फाइव। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नंबर ऑफ GIs बताना मुझे कितने आएंगे, और देखते हैं कौन से आंसर बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।